हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिलकुट की रेसिपी। ये सीखी है मैंने अपनी मम्मी से। बहुत ही इजी है इसको बनाना, झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। और अगर आपको लड्डू बनाने नहीं आते हैं तब इस मकर संक्रांति पर आप इसको जरूर बनाइए। बहुत ही सिंपल है। पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हमारा आज के वीडियो। तिलकुट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप तिल। सफेद वाला तिल मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। इस तिल को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। तिल को रोस्ट करने के लिए मैंने तिल को ऐड कर दिया है एक नॉनस्टिक पैन में। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप सिंपल किसी भी कढ़ाई में इसको रोस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए आपको तेल या घी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हल्के हल्के इस तरीके से इसको चलाते रहना है ताकि तिल जले नहीं। तिल को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब तिल में चट चट की आवाज आना स्टार्ट हो जाए तब आप समझ जाइए कि आपके तिल रोस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि तिल का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो हमको इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक रोस्ट कर लेना है। तिल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक तिल अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उस बीच में हम प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी आगे की। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1/2 स्पून घी ऐड कर दिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ बादाम। इनको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। तिलकुट में जब आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो तिलकुट का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही में मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़े से काजू और साथ ही में मैं ऐड करूंगी इसके मखाने। इन सब चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए जब तक ये सब अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ड्राई फ्रूट्स को आपको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिरौंजी भी रोस्ट कर लूंगी। चिरौंजी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर तिल भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ एक मिक्सिंग जार में और इसको मुझे अच्छे से मिक्सर ग्राइंड करना है। केवल 2 मिनट लगेंगे और आपके तिल बहुत ही जल्दी से मिक्सर ग्राइंड हो जाते हैं। देख सकते हैं कि तिल बहुत ही अच्छे से मिक्सर ग्राइंड हो चुके हैं। आपको इसे बिल्कुल बारीक चूरा नहीं करना है, हल्का दरदरा सा आपको तिल को इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अब तिल को निकाल कर रख दीजिए एक अलग प्लेट में। इसी सेम मिक्सिंग जार में मैं यहाँ पर हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर लूंगी। ड्राई फ्रूट्स को आपको बिल्कुल भी 2 सेकंड से ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है। यहाँ पर मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्सिंग जार में डाल दिए हैं और केवल 1 राउंड मैंने मिक्सिंग का घुमाया है और आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। इसको भी हमें दरदरा ही रखना है, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं करना है। यहाँ पर तिल हमारा पिसकर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने इस तरीके से ग्राइंड किया था। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बूरा। मैंने यहाँ पर 1/2 से भी थोड़ा सा कम बूरा लिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही में मैंने ऐड किया है थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी चिरौंजी और साथ ही में थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस लीजिए, आपका तिलकुट है बिल्कुल रेडी। तो है ना ये कितनी आसान सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। बहुत ही झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये सिंपल सा वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तिलकुट को आप एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। तो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो मिलती हूँ अपनी एक और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।